शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से मशहूर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला 62 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर चले हैं। रविवार को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सुबह 7:45 उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे कारोबारी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने अपने करियर की शुरुआत महज 5,000 रुपए से की थी। 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक सामान्य परिवार में जन्मे राकेश झुनझुनवाला ने अपने पिता से प्रेरणा लेकर साल 1985 में मुंबई के दलाल स्ट्रीट में कदम रखा। लेकिन जब उन्हें शेयर मार्केट के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी शेयर बाजार में पैसे लगाने का मन बनाया, लेकिन उनके पिता ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि इसके लिए वो अपने किसी दोस्त से पैसे लेने की कोशिश भी ना करें। झुनझुनवाला से उनके पिता ने कहा कि अगर तुम शेयर बाजार में उतरना चाहते हो तो इसके लिए पैसा खुद की मेहनत से कमाओ। फिर क्या था, कड़ी मशक्कत कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपये का निवेश कर इन्वेस्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने एक समय टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपये के हिसाब से खरीदे। 3 महीने में ही टाटा टी का शेयर काफी चढ़ गया। तब झुनझुनवाला ने इस शेयर को 143 रुपये के हिसाब से बेच डाला। ये 1986 की बात है और इस फैसले ने झुनझुनवाला को 3 महीने में ही 2.25 लाख के निवेश पर 5,00,000 रुपये का मुनाफा करा दिया। देखते ही देखते झुनझुनवाला अरबपतियों की सूची में दुनिया के 440वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। राकेश झुनझुनवाला अपने पीछे एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य छोड़कर गए हैं। वहीं उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।